Hey everyone, assalamu alaikum, welcome back to my channel, welcome back to another yummiest video. तो आज की वीडियो है कुछ चटपटी सी. सो यहाँ पर मैंने बीफ का एक पीस लिया है, मीट का तकरीबन ये 2 kg का है और अब मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में कटिंग करके कन्वर्ट करने वाली हूँ ताकि मैं अपनी रेसिपी का स्टार्ट करूँ. और जनाब अब जो है वो मैंने इसको कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में कटिंग, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ बनाई हैं ताकि ये ईजीली जो है वो गल जाए. इसके अलावा जो मुझे चाहिए वो चाहिए मुझे दही, यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 kg दही और 2 tablespoons जिंजर गार्लिक का पेस्ट और 2 मसाले मैंने लिए हैं छान के तंदूरी मसाले, 2 packets इसके लिए हूँ क्योंकि मीट तकरीबन मैंने 1 kg मतलब आस पास ही लिया है 1 kg के, तो 2 packets यूज़ करें. तो लेट्स गेट स्टार्ट द रेसिपी. और यम्मीस्ट रेसिपी है और बहुत जल्दी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा. तो वैसे भी इन्ग्रीडियंट्स हैं जो मीट के साथ यूज़ कर रही हूँ और मुझे भी काफ़ी जल्दी इस वजह से मैंने पैकेट्स के मसाले यूज़ कर लिए. तो सबसे पहले लेंगे दही और दही के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ शान के 2 तंदूरी मसाले. और यहाँ पर दही में मैं 2 तंदूरी मसाले मैंने 2 packets ऐड कर दिए हैं और उसको ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है ताकि सारा मसाला और दही जो है वो बिल्कुल एक साथ मिक्स हो जाए बहुत अच्छे तरीके से. देखिए ये मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है. अब मैंने मीट को वॉश कर लिया था और उसका सारा पानी निकाल लिया था. ये जितना ड्राई होगा उसमें अच्छे तरीके से सारे मसाले जो है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो सकते. यहाँ पर मुझे जिस कढ़ाई में ये पकाना था उसके लिए मैंने डायरेक्ट उसको मैरिनेशन के लिए रख दिया. अब यहाँ पर मैं बीच में ऐड कर रही हूँ 2 tablespoons ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट और अभी जो मसाला और दही मैंने रेडी करके रखा था ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि तमाम बोटियों पर बहुत अच्छे तरीके से सारा मसाला लग जाए. होप है कि आज की रेसिपी आप लोगों को मेरी पसंद आएगी और इसको अच्छे से मैंने रख दिया. ये मेरी मैके की रेसिपी है, यानी कि ये डिश मैंने अपने मैके में बनाई थी बट होप कर रही हूँ मैं अब. तो देखिए यहाँ पर ये हो गया है रेडी. अब मैं इसको ढक कर जो है इस तमाम मसाले को मैरिनेशन के लिए रख दूँगी. तो इसको मुझे मैरिनेट करना है तकरीबन 2 से 2.5 hours तक करना है. तो तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए मीट ने अपना पानी छोड़ दिया है इसमें, तो थोड़ी देर और देखूंगी उसके बाद मैं इसको जो है वो पकने के लिए स्टोव पर रख दूंगी. और ये ऑयल है जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, तो ये जब इसकी मैरिनेशन कंप्लीट हो जाएगी तब मैं इसके अंदर ये ऐड करूँगी ऑयल. आप जितना चाहें ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है. बाकी हम थोड़ा सा लो ऑयल भी यूज़ करते हैं. सो मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1/2 cup से थोड़ा सा कम और स्टोव ऑन करके मैंने इसका हाई कर दिया है स्टोव पर और ऑयल को अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है और इसको ढककर रख देना है. ये तकरीबन 1-2 घंटे तो लेता है. इसको लो मीडियम फ्लेम पर आपने पकाना है, मीडियम फ्लेम को हाई नहीं करना ना बहुत ज़्यादा लो करना है. तो ये देखिए लो मीडियम फ्लेम आपने रखना है और इसी पर आपको इसको कुक करना है. सो तकरीबन यहाँ पर जो है वो 1/2 घंटा गुजर चुका है और उसके बाद ये देखिए इसकी सिचुएशन, ये बहुत ज़्यादा इसमें पानी छोड़ दिया और ये इसी में जो है वो अच्छे से गल जाता है, इसी में ये अच्छी तरीके से गल जाएगा. तो जब भी आप थोड़ी थोड़ी देर से इसको चेक करें और चम्मच चलाती हैं ताकि इसकी सिचुएशन आपको पता चले इसमें कितना पानी है और जो है ये किस हद तक गल गया है. तो अब ये देखिए काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो चुका है और ये गोश्त भी बिल्कुल जो है वो गल चुका है. तो इसको अच्छे से भून लें ताकि सारा मसाला अच्छी तरह से भून जाए. वैसे तो ये इतना कुक होता है कि सारा मसाला अच्छे से भून जाता है. यहाँ पर मैंने कोयला रखा था दहकने के लिए. अब छोटी सी एक प्लेट मैंने मीट के बीच में रखी है और इसके ऊपर मैं रखूँगी अपने कोयले के पीसे. ये
फूड अच्छे से आप इसको गर्म कर लें। जब ये रेडिश हो जाए साइड में से तो ये अच्छे से पक चुके होते हैं। आप इनको रखिए इस प्लेट के अंदर और इसमें ऐड कीजिए थोड़ा सा ऑयल ताकि ये अपना धुआं छोड़ दें, उसको अच्छे से ढक दें। थोड़ा सा धुआँ निकल रहा था फिर मैंने इसे थोड़ा सा अखबार लगा दिया था। गार्निशिंग के लिए मेरे पास है थोड़ी सी जिंजर, इसके अलावा मैंने चॉप किया है हरा धनिया और हरी मिर्च एंड फोर्थ है लेमन। सो ये तमाम चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ गार्निशिंग के लिए। और यहाँ पर ये देखिए बहुत अच्छे से ये स्टीम जो है वो हो चुकी है तंदूरी चिकन। सो जनाब अब इसको डिश आउट करते हैं, इट्स टाइम फॉर डिनर। तो मैं इसके डिश आउट कर रही हूँ और बहुत यम्मी है। मैं अभी देख रही हूँ रेसिपी और वॉइस ओवर बाद में दे रही हूँ, तो वेरी यम्मी। डेफिनेटली आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी और यम्मी रेसिपी है। बस इसको अच्छे से गार्निश कर लेंगे और डिनर के लिए पेश करेंगे और इन्जॉय करेंगे अच्छा सा डिनर। सो आई होप आज की रेसिपी मेरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, लाजमी बेल आइकन को हिट किया कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली आपको मिल जाए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप देख लीजिए कि आपने रेड बेल को हिट किया है कि नहीं। सो मेरी आज की यम्मीस रेसिपी रेडी है, डेफिनेटली आई यू विल ट्राई एंड जो है वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स कि इस तरह लगा, कैसा हुआ, अच्छा लगा आपको। सो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।